देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे हम किस तरह से एक स्कल्पचर बना सकते हैं। तो अगर आप स्कल्पचर वर्क सीखना चाहते हैं तो वीडियो आप ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा, तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भी इस तरह का एक स्कल्पचर वर्क बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है एक मोर और नीचे उसके पंख बनाए हैं। ये मोर बैठा है एक पेड़ के ऊपर। तो आप इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे पंख बना सकते हैं मोर के। तो कुछ पंख मैंने यहाँ पे बना लिए थे, लेकिन अब आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पहली लेयर जो अपने सीमेंट की है वो लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ सीमेंट में। अगर आप मिट्टी में वर्क करना चाहते हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सीमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आपको इस तरह का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट स्टेप में एक जो लेयर है सीमेंट की वो लगा ली है। लगभग ये एक इंच मोटी आपको लगानी है, उससे पतली लेयर में आपका इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक इंच मोटी लेयर लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पंख की शेप जो पता होनी चाहिए, तो उस तरह की शेप में आप यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और निशान लगा लेंगे यहाँ पे किस तरीके से आपके उसके पंख होते हैं। पंख में भी जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके, तो उस तरह का निशान यहाँ पे हमने लगा लिया है। तो उनको थोड़ा सा गहराई में आपको काटना है। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे अपने टूल्स की मदद से किस तरह से यहाँ पे निशान लगा के उसको काट रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है और देखना है कि आपको जो आपकी शेप है वो पूरी पंख की जैसी आनी चाहिए। अगर आपको इतना आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आप एक पंख लीजिए, उसकी शेप में आप यहाँ पे काटने की कोशिश कीजिए, सामने रख लीजिए उस पंख को, ताकि आपको आसानी रहे कि उस पंख की शेप किस तरह की होती है। ये वर्क आपको बहुत ही आराम से और स्लोली स्लोली करना है, ताकि आप एक अच्छी तरीके से पंख बना पाए, ताकि आपका जो स्कल्पचर है जो मोर है वो एक सुंदर रूप ले सके। तो आप देख पाएंगे किस तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा देखने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी इसको फॉरवर्ड की है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो स्कल्पचर यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है उसमें, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड किया है ताकि आपको पूरी प्रोसेस में यहाँ पे दिखा पाऊँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता हूँ। अगर आप स्कल्पचर वर्क सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं स्कल्पचर से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और उनको अगर आप सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसको फॉलो करके यहाँ पे आप एक अच्छी तरीके से स्कल्पचर सीख पाएंगे। वहाँ पे भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, हर चीज़ को पॉइंट आउट किया है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो कुछ स्कल्पचर से रिलेटेड, अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जो पहला पंख है वो बना लिया था, इसी तरीके से हमने दूसरा पंख भी यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। जो भी शेप है जो हमने पहले सीमेंट लगाया हुआ है फर्स्ट लेयर में, बस उसी को आपको कटिंग करनी है और थोड़ा सा उसमें अपना जो अलंकारिक शैली है उसको यहाँ पे टोन करना है कि आपका जो ओरिजिनल पंख किस तरीके का होता है और उसमें थोड़ी सी लय लाके हम उसको किस तरीके से और भी खूबसूरत यहाँ पे बना सकते हैं। जो हमारा स्कल्पचर वर्क में बनाने का तरीका होता है तो वो किस तरीके का होता है वो आप यहाँ पे देख पाए होंगे। तो इस तरीके से हमारे जो पंख हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और भी मुझे पंख बनाने हैं, काफ़ी सारा वर्क इसमें रह चुका है।